Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, 9th chemistry, chapter number 3, periodic table हमने शुरू किया हुआ था. Lecture number 7 के अंदर आज हम discuss करेंगे ionization energy and electron affinity क्या होता है. सबसे पहले हम बात करते हैं ionization energy की. तो ionization energy की definition देखेंगे. उसके बाद हम देखेंगे इसका periodic table के अंदर जो है ट्रेंड क्या है, मेन टू से किस तरफ जो है ये इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी कम और ज्यादा होती है के अंदर. तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ गैसेस एटम, गैसेस एटम के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की मकदार दरकार होती है उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं. ये तीन बातें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे. सबसे पहले एनर्जी रिक्वायर्ड है, दिस मीन कि एनर्जी जो है हमें देनी पड़ेगी. आपको पता है कि न्यूक्लियस की हर शेल के ऊपर अट्रैक्शन होती है. न्यूक्लियस हर शेल को अपनी तरफ खींच रहा है, मेन टू से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होता है. इसका मतलब आखिरी शेल के ऊपर भी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है. उस अट्रैक्शन को खत्म करने के लिए हम अपनी तरफ से एनर्जी देंगे. उस एनर्जी की मात्रा को हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन वो आयन में डील हो जाता है. इसी वजह से हमने आयनाइजेशन एनर्जी का नाम लिया. उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन जो निकालना है हमने वैलेंस शेल से निकालना है. हम वैलेंस शेल से क्यों निकाल रहे हैं? बिकॉज वैलेंस शेल के ऊपर जो है न्यूक्लियस की अट्रैक्शन सबसे कम होती है. इस वजह से हम आसानी से वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं. उसके बाद हमने बात लिखी है कि गैसेस एटम जो है, ये गैसेस ही एटम क्यों हम लेते हैं, सॉलिड यानी कि हम क्यों निकाल सकते हैं. आपको पता है कि गैसेस एटम के अंदर जो है जो एटम होते हैं गैसेस हालत में वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं. उनकी बाउंड्री जो है दूसरे के साथ मर्ज नहीं कर रही होती. इसलिए हम एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हम गैसेस हालत के अंदर जो है एटम को कन्वर्ट करते हैं. उसके बाद फिर जो है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो मेजर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सोडियम जो है, आपको पता है इसके आखिरी शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है. जब इलेक्ट्रॉन नीचे लग जाए तो सोडियम पॉजिटिव बन जाता है और प्लस 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है हम उसको देते हैं. और इस तरीके से सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी जो है मेन टू से आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमारे पास 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी है. अब हम उसके बाद बात करते हैं के पीरियडिक टेबल के अंदर इसका ट्रेंड क्या है. पीरियडिक टेबल में सबसे पहले हम पीरियड की बात करते हैं. आपको पता है लेफ्ट राइट हॉरिजॉन्टल रोज जो है हमारे पास पीरियड्स कहलाते हैं. तो पीरियड्स के अंदर इट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड्स. ये लेफ्ट टू राइट में पीरियड्स के अंदर इंक्रीज करती है. क्यों इंक्रीज करती है? ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज. आपको पता है लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे हम चलते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता है. एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है. न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से आखिरी शेल के ऊपर अट्रैक्शन बढ़ जाती है. इसकी वजह से एटॉमिक सेल जो है रिड्यूस हो जाता है. रिड्यूस हो जाने की वजह से अब आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो ज्यादा हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेकंड पीरियड देखें, लिथियम है 520 किलो जूल पर मोल है. ब्रिडियम हमारे पास 899 किलो जूल पर मोल है. इसी तरीके से बोरान जो है हमारे पास 801 किलो जूल पर मोल है. इसी तरीके से हम चलते चलते जब जाते हैं नियोन के ऊपर, तो नियोन के ऊपर जो है हमारे पास 2081 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो रिक्वायर होती है. अब हम बात करते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो ग्रुप्स के अंदर किस तरीके से कम होती है और क्यों कम होती है. आपको पता है टॉप टू बॉटम जो हमने बात की थी वो हमारे पास ग्रुप्स होते हैं. फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज होती है. क्यों डिक्रीज होती है? ड्यू टू इंक्रीज द नंबर ऑफ शेल. आपको पता है जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं हर एक नया पीरियड शुरू होता है. और नया पीरियड शुरू होने से आपको पता है कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर बात की थी कि पीरियड का नंबर जो है वो शेल के नंबर की बात शेल के इंडिकेट कर रहा है. तो शेल इंक्रीज हो जाने की वजह से आखिरी शेल के ऊपर जो है न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बहुत कम हो जाती है और साइज भी बढ़ जाता है. इस वजह से हम देखते हैं कि ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम जो है आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो कम होती है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, इसमें हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लिखित की देखें तो
हमारे पास 520 है, इसके अलावा जो है सोडियम 496 किलो जूल पर मोल है, पोटेशियम भी हमारे पास 419 किलो जूल पर मोल है, इसी तरीके से हमारे पास बेटी जो है उसकी 403 किलो जूल पर मोल है, और हमारे पास सीजन की जो है वो 377 किलो जूल पर मोल होती है। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम इसका पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रेंड देखेंगे। तो डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन वैलेंस शेल ऑफ गैसेस एटम, मीनिंग टू से कि एनर्जी की वो मात्रा रिलीज होती है जब हम आखिरी शेल के अंदर गैसेस हालत में एक इलेक्ट्रॉन दाखिल करते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन दाखिल करते हैं, आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किया होगा कि इलेक्ट्रॉन हासिल करने से एटम के ऊपर ह्यूमन रिएक्टर चार्ज आ जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस की अफिनिटी का एक मतलब है न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं उसकी अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस के लिए कितनी है वो मैयत जो होती है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की टर्म में हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन की शेल आधी शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जब हम दाखिल करते हैं तो वो फ्लोराइड आयन बन जाता है, और हमारे पास इसकी एनर्जी चेंज जो है माइनस 328 किलो जूल पर मोल आती है। मेन टू से कि हमारे पास ये नेटवर्क का सर्टिफिकेट कर रहा है कि एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। अब हम बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर इसका ट्रेंड क्या है। तो ट्रेंड इन पीरियड की बात करें, इट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, ये लेफ्ट टू राइट पीरियड के अंदर जो है इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट है न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से आखिरी शेल के ऊपर अट्रैक्शन भी बढ़ जाती है, अट्रैक्शन बढ़ने से इसका जो साइड होता है एटम का लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है, डिक्रीज हो जाने की वजह से आयनाइजेशन अपना इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम सेकंड पीरियड की बात करते हैं, हमारे पास लिथियम जो है -60 है, और बेरियम जो है वो 0 है, इसी तरीके से हमारे पास बोरॉन है -29 और इसके अलावा कार्बन की -122 है, और हम फ्लोरीन की जब बात करते हैं तो -328 किलो जूल पर मोल होती है। जैसे जैसे हम देखते हैं कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, एटॉमिक साइज का हो जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। अब हम बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल के जो ग्रुप्स हैं उसके अंदर इसका ट्रेंड क्या है। इट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कि टॉप टू बॉटम जो कम होती है। क्यों कम होती है? ड्यू टू इंक्रीजेस नंबर ऑफ शेल। आपको पता है कि नंबर ऑफ शेल जो है हर सक्सेसिव जो पीरियड नया शुरू हो रहा है उसके अंदर एलिमेंट के अंदर जो है एक नया पीरियड जो है वो ऐड हो जाता है, सॉरी नया शेल जो है वो ऐड हो जाता है। शेल ऐड हो जाने की वजह से एटम का साइज बढ़ जाता है, साइज बढ़ने से आपकी शेल के ऊपर जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है वो डिक्रीज हो जाती है, और हम आसानी से कम एनर्जी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो होती है वो आखिरी शेल के ऊपर कम हो जाती है, और हम आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है वो दाखिल कर सकते हैं, और कम एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो खराब होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ग्रुप 17 की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन जो है नेगेटिव 328 है, और क्लोरीन की हमारे पास 3649 है, और इसके अलावा बोरोन जो है हमारे पास नेगेटिव 325, और आयोडीन की जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वो नेगेटिव 295 किलो जूल पर मोल है। जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि ग्रुप के अंदर जो है ऊपर से नीचे जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू है वो डिक्रीज। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेन टू से ये किसी भी एटम की मॉलिक्यूल के अंदर जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको अपनी तरफ खींचने की सलाहियत होती है। आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर एटम जो है अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, शेयरिंग की वजह से वो एक एटम जो है दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कुछ सलाहियत ज़्यादा होती है। इस सलाहियत को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक रिलेटिव क्वांटिटी है, इस वजह से इसका कोई यूनिट नहीं होगा। और एल पॉलर ने जो है फ्लोरीन को जो है स्टैंडर्ड के तौर पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूनिट मापने के लिए लिया है, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है
हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा होती है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो 4 होती है। अब बाकी तमाम एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो हम फ्लोरीन से कंपेयर करके निकालते हैं। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रेंड क्या है। तो पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड जो है बिल्कुल सेम है जैसा कि आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का है। हम बात करते हैं पहले पीरियड्स के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो है वो वैल्यू कैसे वो बढ़ती है। इट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। ये लेफ्ट टू राइट पीरियड्स के अंदर जो है वो बढ़ती है ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज एंड इंक्रीज इन साइज। आपको पता है लेफ्ट टू राइट जब हम चलते हैं एक तो हमारे पास एटॉमिक नंबर बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज हो जाने की वजह से लेफ्ट टू राइट में हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है वो बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल सेकंड पीरियड की हम बात कर लेते हैं तो लिथियम की हमारे पास 1 है, ब्रिलियम की 1.6 है, ब्रोन की जो है 2, कार्बन की 2.6, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 3.4 और फ्लोरीन की जो है हमारे पास 4 होती है। अब हम बात करते हैं कि ट्रेंड इन ग्रुप्स क्या है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इट डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये ऊपर से नीचे जो है डिक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ शेल, क्योंकि नंबर ऑफ शेल ऊपर से नीचे बढ़ते हैं बढ़ने से साइज बढ़ जाता है, साइज बढ़ने से जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो ऊपर से नीचे कम होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फर्स्ट ग्रुप 17 ग्रुप जो है एलिमेंट का उसके अगर बात करें तो फ्लोरीन के अंदर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है फ्लोरीन की वो 4 है, इसके अलावा जो हमारे पास ब्रोमीन है 3.2 है, इसके अलावा ब्रोमीन जो है उसकी 3 और इसके अलावा जो हमारे पास आयोडीन की जो है वो 2.7 वैल्यू होती है। जैसा कि आपको नजर आ रहा है ऊपर से नीचे जैसे ही ग्रुप 17 के अंदर आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो वैल्यू होती है वो ऊपर से नीचे कम होती है। स्टूडेंट ये थे हमारे टॉपिक आज के।